उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में करीब एक साल पहले साइबर सेल के पुनर्गठन के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। साइबर सेल में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में तेजी तो आई है, साथ ही पीड़ितों के खाते में ठगी की रकम वापसी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। साइबर अपराध के सीओ अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि बीते 8 महीनों में पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए 88 पीड़ितों के खाते में 45,95,300 रुपए की रकम वापस कराई है। इसी अवधि में आई 3,872 शिकायतों में से 3,047 का निस्तारण किया गया। इस दौरान पुलिस ने 134 जाल साजों को भी गिरफ्तार किया। साइबर ठगी के मामले जो है लगभग 3,000 के करीब आए हुए हैं और जिसमें हमारी टीम लगातार तत्परता से कार्य कर रही है और तत्परता से कार्य करते हुए अब तक 20 से अधिक गैंग को हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। न केवल फाइनेंशियल फ्रॉड बल्कि सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड को देखते हुए उन सब पे कार्रवाई करते हुए लगभग 138 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी है। सर, तो कितने लोगों को लाभ दे चुके हैं और जो वापस रिटर्न पैसा गया है, कितना पैसा गया है? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा कि जैसे किसी के साथ अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर कोई ठगी हो तो जितनी जल्दी वो साइबर सेल को अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उतनी जल्दी पैसे वापस आने की गारंटी बढ़ जाती है। इस तरीके से लगभग 46 लाख के करीब रकम लोगों की हम लोगों ने विभिन्न मामलों में वापस भी कराई है। बहरहाल, इन आंकड़ों के हिसाब से साइबर सेल ने वाकई में सराहनीय कार्य किया है। अगर ऐसे ही लगातार साइबर सेल कार्य करती रही तो एक दिन साइबर क्राइम शून्य पर पहुँच जाएगा।